दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स एक खेल सम्मेलन है जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के 56 मेंबर्स के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसके मेंबर ब्रिटेन के फॉर्मर कॉलोनीज हैं, और इसमें ऐसे देश भी हैं जो ब्रिटेन के फॉर्मर कॉलोनीज नहीं थे, जैसे कि मोजाम्बिक और रवांडा। इस वीडियो में मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, कॉमनवेल्थ गेम्स की स्थापना एक कैनेडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने किया था। उनका नाम था मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन, जो कि कनाडा के एक न्यूज़पेपर द हैमिल्टन स्पेक्टेटर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। फैक्ट नंबर टू, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला एडिशन 1930 में शुरू हुआ था और इसे कनाडा ने होस्ट किया था, जिसमें 11 नेशंस के 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। फैक्ट नंबर थ्री, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम 3 बार चेंज हो चुका है। 1930 से लेकर 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1954 से लेकर 1966 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1970 से लेकर 1974 तक इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। फिर 1974 के बाद इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। फैक्ट नंबर फोर, अभी तक 6 देशों ने सारे कॉमनवेल्थ गेम्स अटेंड किए हैं, और ये 6 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। फैक्ट नंबर फाइव, 1934 में भारत ने अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत ने सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि रेसलिंग से आया। फैक्ट नंबर सिक्स, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया का सबसे बेहतरीन कॉमनवेल्थ गेम्स था। इस गेम को दिल्ली ने होस्ट किया था और इंडिया ने इसमें 101 मेडल जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज शामिल हैं। फैक्ट नंबर सेवन, 1986 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था, उसे 32 आउट ऑफ 59 नेशंस ने वॉकआउट किया था। दरअसल साउथ अफ्रीका में ब्लैक के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अपने ही देश में वोटिंग करने का राइट्स नहीं था, इसलिए कई कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने रिलेशंस कट किए हुए थे। लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने साउथ अफ्रीका के साथ अपना लिंक जारी रखा था, इसलिए 32 नेशंस ने इस गेम्स को बॉयकॉट किया था। फैक्ट नंबर एट, गेम्स शुरू होने से पहले क्वींस बैटन रिले होता है। इसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हेड का एक मैसेज होता है। ये बैटन रिले बकिंगम पैलेस में स्टार्ट होता है और उसके बाद कॉमनवेल्थ कंट्रीज का चक्कर लगाकर वापस बकिंगम पैलेस में जाता है। फैक्ट नंबर नाइन, बैटन रिले की शुरुआत की गई थी 1994 में, जिसे इंग्लैंड और होस्ट नेशन के बीच ही भेजा जाता था, लेकिन 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स से इसे पहली बार कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भेजा गया। फैक्ट नंबर 10, 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट को इंक्लूड किया गया। इसमें 16 क्रिकेटिंग टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। इस गेम्स में साउथ अफ्रीका ने गोल्ड जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर और न्यूजीलैंड ने ब्रॉन्ज जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये क्रिकेट का पहला और आखिरी मुकाबला था, लेकिन 2022 से इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 11, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 13 टाइम्स टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया है, जबकि इंग्लैंड ने 7 टाइम फिनिश किया है और कनाडा ने 1 टाइम। तो दोस्तों, ये थे CWG के कुछ फैक्ट्स। अगर आपको कुछ फैक्ट्स मालूम हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।